निरत सखी ये खंजन आए, तेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप मन से सर सर साए, घूमे वे इस ओर वहाँ ये हंस यहाँ उड़छाए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंधुक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभने मोती बारे लो ये अश्रु अर्घ भर लाए। निरक सखी, निरक मतलब देखो, सखी मतलब सखी, ये खंजन आए। खंजन एक पक्षी है जिसके बारे में कहा गया है। फेरे उन मेरे रंजन ने, फेरे मतलब घुमाया, उन रंजन, रंजन मतलब आनंद प्रदान करने वाले अर्थात प्रियतम ने नयन, नयन यानी नेत्र, इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप, तन अर्थात शरीर, आतप मतलब उष्णता या गर्मी, मन से सर सर साए, सर अर्थात सरोवर यानी तालाब, घूमे वे इस ओर वहाँ ये हंस यहाँ उड़छाए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, मुस्काए मतलब मुस्कुराए, फूल उठे हैं कमल अधर से, अधर से अर्थात होठों से, यह बंधुक सुहाए, बंधुक एक लाल रंग के फूल को के बारे में कहा गया है, यानी एक लाल रंग का पुष्प, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, शरद यानी शरद ऋतु के लिए, नभने मोती वारे, नभ यानी आकाश, ने मोती वारे, वारे मतलब न्युछावर करना, ले अश्रु अर्घ भर लाए, अश्रु मतलब आंसू, प्रस्तुत गीत में कवि ने राम के साथ लक्ष्मण के वन जाने पर उर्मिला की विरह दशा का मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है। शरद आगमन यानी शरद ऋतु का आगमन होने पर उर्मिला को प्रकृति के विभिन्न रूपों में अपने प्रियतम के ही दर्शन होते हैं। जैसे ही शरद ऋतु आती है और प्रकृति का जो विभिन्न रूप होता है उसमें उर्मिला को अपने प्रियतम अर्थात लक्ष्मण जी के दर्शन होते हैं। वह कहती हैं, निरक सखी ये खंजन आए, हे सखी, शरद के आने से खंजन पक्षी इधर आ गए हैं, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो मेरे मन को प्रसन्न करने वाले प्रियतम ने शायद अपने मनोहारी नेत्र इधर फेर लिए हैं यानी घुमा दिए हैं, फैला उनके तन का आतम, यह प्यारी प्यारी धूप ऐसी लग रही है मानो उनके तन का आतप, उनके शरीर की उष्णता हो, मन से सर सर साए, और उसी उष्णता के कारण सरोवर में उनके मन की भांति प्रसन्न हो गए हैं, यानी तन का आतप उनके शरीर की उष्णता हो और उमड़े हुए सरोवर मन से सर सर साए, और उमड़े हुए जो सरोवर हैं यानी जो सरोवर दिखाई दे रहे हैं वो मन की भांति प्रसन्न हैं, घूमे वे इस ओर यहाँ वहाँ ये हंस यहाँ उड़छाए, कहते हैं कि जरूर मेरे प्रियतम यहाँ मौजूद हैं यानी इसी वन में घूम रहे हैं, ये हंस यहाँ उड़छाए और उनकी गति का आभास कराने के लिए यह हंस यहाँ पर आए हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ सरोवर पर जो हंस उड़ते हुए छाए हुए हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मेरे प्रियतम इस ओर घूम गए हैं, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंधुक सुहाए। अगली पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं कि जो उर्मिला है वह कहती है कि करके ध्यान आज इस जन का निश्चय में मुस्काए, आज निश्चय ही मुझ सेविका का ध्यान करके मेरे प्रियतम मुस्कुराए हैं।
फूल उठे हैं कमल, इसीलिए उमड़े हुए सरोवर में कमल खिल उठे हैं। अधर से यह बंदूक सुहाए, अधर अर्थात होठों, जो उनके होठों की बातें बंदूक यानी लाल रंग के पुष्प हैं वह शोभा देने लगे हैं। अगली पंक्तियों में उर्मिला जी कहती हैं कि स्वागत स्वागत शरद, हे शरद ऋतु तुम्हारा स्वागत हो, भाग्य से मैंने दर्शन पाए, क्योंकि तुम्हारे आगमन से ही मैंने अपने प्रियतम के दर्शन कर लिए हैं। नभने मोती वारे लो ये अश्रु अर्घ भर लाए, हे शरद ऋतु तुम्हारे स्वागत में आकाश ने नभने मोती वारे, नभ यानी आकाश ने ओस की बूंदों को निछावर किया है, ओस की बूंदों के रूप में मोती निछावर की है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ले अश्रु अर्घ भर लाए, मैं अपनी आंखों के आंसुओं को अर्घ रूप प्रदान करने के लिए लाई हूँ। अब पुनः देख लेंगे आप सिर्फ इसके अर्थ को। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में जो उर्मिला हैं वो शरद आगमन यानी शरद ऋतु के आगमन पर प्रकृति के विभिन्न रूपों में अपने प्रियतम के ही दर्शन करते हुए कहती हैं कि हे निरत सखी ये खंजन आए, हे सखी शरद के आने से यह खंजन पक्षी इधर आ गए हैं, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मेरे मन को प्रसन्न करने वाले प्रियतम ने शायद अपने मनोहारी नेत्र इधर फेर लिए हैं, फेर यानी घुमा लिए हैं या फेर लिए हैं, फैला उनके तन का आतप मन से सरसर जाए, यह प्यारी प्यारी धूप ऐसी लग रही है मानो उनके शरीर की उष्णता हो, उमड़े हुए सरोवर मन की भांति प्रसन्न हो गए हैं या उनमें प्रसन्नता की लहरें उठने लगी हैं, घूमे वे इस ओर वहाँ ये हंस यहाँ उड़ आए, यहाँ सरोवर पे जो हंस उड़ते हुए छाए हुए हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो मेरे प्रियतम इस ओर घूम गए हैं, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, जरूर मेरे प्रियतम ने मुझे याद करके यानी इस सेविका को याद करके मुस्कुराया होगा, तभी फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए, तभी सरोवर में कमल खिले हुए हैं और उनके होठों की भांति दोपहरिया के फूल लाल लाल शोभा देने लगे हैं, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, हे शरद ऋतु तुम्हारा बार बार स्वागत है, क्योंकि तेरे आगमन से ही मैंने अपने प्रियतम के दर्शन कर लिए हैं, नभने मोती वार रे लो ये अश्रु अर्घ भर लाए, तुम्हारे स्वागत में आकाश ने उसकी बूंदों को निछावर किया है, मैं अपनी आंखों के आंसुओं को अर्घ रूप प्रदान करने के लिए लाई हूँ। अगली पंक्तियों में जो उर्मिला हैं विरहणी उर्मिला वह शिशिर ऋतु को अपने भाई मानकर कहती हैं, शिशिर न फिरे गिरी वन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में, कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में, सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में, वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में, तो मोती सा मैं अंकिंचना रखूं उसको मन में, हसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में, शिशिर न फिर गिरिवन में, शिशिर अर्थात शिशिर ऋतु न फिर गिरिवन में, गिरिवन यानी शिशिर अर्थात शिशिर ऋतु न फिर गिरिवन में, गिरिवन यानी कि पहाड़ों और वनों में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन से, निज नंदन, नंदन यानी कि इंद्र भगवान के बगीचे को नंदन कहते थे, परंतु उन्होंने अपनी जीवन रूपी नंदन वाटिका ऐसे कही है, निज मतलब अपने, कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में, तन यानी शरीर, सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में, पांडुरता अर्थात पीलापन,
वीर जमादे नयन नीर, नयन यानी नेत्रों के, नीर मतलब आंसू, यहाँ पर नीर मतलब जल होता है परंतु यहाँ पर नेत्रों के आंसू। यदि तू मानस भाजन में, मानस भाजन यानी मन रूपी बर्तन, तो मोती सा मैं अकिंचना, अकिंचना अर्थात निर्धन रखूं उसको मन में, हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में जो विरहड़ी उर्मिला है वो शिशिर ऋतु को अपना भाई मानकर उसे संबोधित करते हुए कहती हैं, शिशिर न फिर गिरिवन में, हे शिशिर ऋतु तू पहाड़ और वनों में न घुमा करो, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन से। यदि तुम पतझड़ के लिए वनों और पहाड़ों पर घुमा करते हो तो आओ, जितना पतझड़ चाहोगे मैं अपने जीवन रूपी नंदन वाटिका से तुम्हें दूंगी। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में। अगली पंक्तियों में जो उर्मिला है वह कहती हैं कि तुम्हें कंपन की आवश्यकता हो तो आओ, तुम मेरे शरीर से कंपन ले लो। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। यदि पीले रंग की आवश्यकता हो, यानी पांडुरता मतलब पीलापन, यदि पीले रंग की आवश्यकता तुम्हें हो तो तुम मेरे मुख से ले लो, क्योंकि मेरी सखी बतला रही है कि मैं विरह के कारण पीली पड़ गई हूँ और मेरे मुंह पर पीलेपन का अभाव नहीं है। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में, यानी उर्मिला कहती है कि हे शिशिर ऋतु, अगर तुम्हें पीले रंग की आवश्यकता है तो मेरे मुख से ले लो, क्योंकि मेरी सखियां बता रही हैं कि विरह के कारण मैं पीली पड़ गई हूँ और मेरे मुंह पर पीलेपन का कोई अभाव नहीं है। वीर जमादे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में, हे भाई शिशिर ऋतु, यदि तू अपने आप को वीर समझता है तो तुम मेरे आँखों के जल को मेरे मन रूपी बर्तन में जमा दो। तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में, तो मैं उसे अमूल्य मोती समझकर अपने मन में संभाल कर रखूंगी, यानी अकिंचना मतलब निर्धन, मैं निर्धन उसे अमूल्य मोती समझकर अपने मन में रखूंगी। हंसी गई रो भी न सकूं, अगली पंक्तियों में उर्मिला कहती हैं हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपनी इस जीवन में। वो कहती हैं कि मेरे प्रियतम के साथ ही मेरी हंसी चली गई, रो भी न सकूं मैं, और यदि अब मैं रो भी न पाऊं अपने इस जीवन में तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भवन में। वो कहती हैं कि मेरे प्रियतम के साथ ही मेरी जीवन में हंसी चली गई, अब यदि तुम आंसुओं को जमा दोगे तो मैं रो भी नहीं पाऊंगी, तो मुझे यही उत्कंठा है यानी कि एक बेचैनी है कि ऐसी स्थिति में जब हंसी का लोप हो जाता है तथा रोने पे भी जब लोग रोक लग जाए तो भावनाओं के इस संसार में देखूं फिर क्या भाव भुवन में, यानी भावनाओं के इस संसार में क्या उथल फुथल होती है उसे मैं भी तो जानूं।